डेटा टाइप के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे डेटा टाइप, डेटा टाइप जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपनी डेटा को, अपने वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं एक्सेल के वीएमआर को प्रोग्रामिंग में, और क्या जरूरत है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, रिकॉर्डिंग की परमिशन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप रिकॉर्ड कर सके। और मैं अपना एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ, आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं? और विजय जी आपसे रिक्वेस्ट करो, विवेक जी रिक्वेस्ट होगा प्लीज म्यूट कर ले, आपके बैकग्राउंड शोर आ रहा है सर। मेरा बैकग्राउंड क्या आ रहा है सर? बैकग्राउंड से शोर आ रहा है सर। अच्छा सर, इस म्यूट कर लेता हूँ। हम डेटा टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं कि डेटा टाइप का इस्तेमाल कैसे होता है। आपने देखा है, मुझे भी देखा है, और मैंने विदाउट डिफाइन किए भी हमने कुछ वेरिएबल लिया था जैसे एक्स वाई जेड या कुछ ऐसे वेरिएबल हम ले लेते। आखिर जरूरत क्यों? देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी सेविंग लोकेशन। मतलब कि अगर मैं 20+30 की बात करूं और मुझे इसको स्टोर करना है, इसका 50 रिकॉर्ड कहाँ स्टोर सेव होगा? ये जो कैलकुलेट होके जो रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट जो है होल्ड कहाँ पे होगा या स्टोर कहाँ पे होगा? तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं किसी रेंज दे दूं कि भाई A1 पे जाओ और डॉट वैल्यू इक्वल, तो A1 पे स्टोर हो जाए। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें अपना A1 फ्री रखना पड़ेगा। अब जिसमें कोई वैल्यू हुई तो उसको रिप्लेस कर देगा। सो मुझे इसकी कैलकुलेशन होल्ड करनी है, तो दूसरा तरीका है कि हम वेरिएबल ले लेते, हमने D ले लिया। तो D क्या किया, इसने आपके कंप्यूटर के डायमेंशन में, हार्ड डिस्क के डायमेंशन में D नाम का जगह क्रिएट किया और उसके ऊपर उसने 50 रख दिया। और ये जगह जो क्रिएट किया ये परमानेंटली नहीं, टेम्पररी है। कब तक? जब तक ये सब्जेक्ट चल रहा है। जैसे सब्जेक्ट हमारा, जैसे सब्जेक्ट हमारा खत्म होगा या कंप्लीट होगा, ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहली तो रिक्वायरमेंट समझ गए आप कि आपको टेम्पररी सेविंग लोकेशन की जरूरत पड़ती है, राइट? अब दूसरा हम बात करते हैं, हमें जरूरत पड़ती है कि बहुत लंबा लंबा, मतलब शॉर्ट करने के लिए, मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना शॉर्ट करने के लिए, सिंपल सी बात कीजिए कि बुक वन के डेटा यहां पे मंथली रिपोर्ट 2020, इसके यहां पे एक क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू है। अब हमें एक एक, एक कैलकुलेशन करना है ग्रोथ निकालने का। तो अगर मान लीजिए कि मैं वेरिएबल यूज ना करूं तो क्या करना होगा, क्योंकि अनदर वर्कबुक से ले रहा है तो हमें पूरा वर्कबुक का पास चाहिए होगा, तो हमें यहां देना होगा कि वर्क बुक्स इसमें बुक वन डॉट एक्सएलएस एम डॉट सीट, अब सीट में हम नाम देंगे अपना, मंथली रिपोर्ट डॉट रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट वैल्यू, ये नहीं होगा, ऐसी होगा, दिख रहा है सर आपको, इक्वल टू,
और वापस हमें इसको ही लेना होगा कॉपी इस तरह से। काफी लंबा हो रहा है सर, तो हम यहां ये कर सकते हैं यहां पे कि जी आर ई यहां पे सिंपल कर सकते हैं क्वार्टर वन, जी हाँ क्वार्टर वन इक्वल टू यहां पे सी ए हो जाएगा, दबा दिया यहां ए होगा, देन क्वार्टर टू इक्वल टू यहां पे बी होगा, ओके, एंड क्वार्टर थ्री इक्वल टू क्वार्टर टू ब्रैकेट में क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन एंड इक्वल टू क्वार्टर थ्री। तो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया, दिख रहा है सर आपको? हेलो हेलो, हाँ जी सर, कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हमने डॉट वैल्यू किया है क्योंकि हमने वेरिएबल है हमारा है। तो आप बोलेंगे सर हम तो देखते हैं या बुक में पढ़ते हैं या आपको देखते हैं कि आप डिफाइन करते हैं कि डिम क्वार्टर वन एज इंटीजर लॉन्ग वगैरह, बट मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो मैं बिना डिफाइन किए भी कर सकता हूं, उसको बोलते हैं वेरिएंट, बिटो डिफॉल्ट वेरिएंट ले लेता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डिफाइन करने का क्या जरूरत पड़ता है, वो हम कास्टिंग कर सकते हैं कि कास्ट के लिए होता है, बहुत सारी चीजें पे डिफाइन करना पड़ता है। तो क्या क्या है पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने तरह से वेरिएबल होते हैं। तो ये पहला होता है डिम बी एज ए बाइट, अब बी के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी एफ जी आई, अपना नाम पर्सन नेम कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो बी आपने बाइट लिया, फिर आता है डिम आई एज ए इंटीजर, फिर डिम बी एल एज ए बुलेन। अब ये क्या क्या है इसके बारे में आपको समझाता हूं, डिम एल एज ए लॉन्ग, डिम डी एज ए डबल, डिम डी टी एज ए डेट, डिम एस एज ए स्ट्रिंग। इतने तरह के जो हम वेरिएबल यूज करते हैं, ये बोलते हैं डेटा टाइप, मतलब कि जिसपे हम वैल्यू स्टोर करते हैं। वैल्यू क्या है, कोई नंबर हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, ठीक है ना, ये वैल्यू हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा रेफरेंस नहीं होगा, जैसे ए वन बी वन सी वन या बुक के नेम वगैरह, ये रेफरेंस में नहीं आते हैं, ये ऑब्जेक्ट में आते हैं, सर ये डेटा टाइप में नहीं, ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो यहां जो हमारे पास है, हम बात करते हैं वन में भाई कि क्या यूज होता है। तो बी एज ए बाइट मतलब कि बी के ऊपर आप 0 से लेके 25 तक का नंबर स्टोर कर सकते हो, 0 से कम नहीं, माइनस भी नहीं कर सकते हो, डेसिमल नहीं कर सकते हो, और 255 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। अगर आपने ज्यादा किया तो क्या होगा, आपको ओवरफ्लो का एरर देगा। जैसे मान लीजिए ना बी इक्वल टू मैंने 355 कर दिया, अब मैं इस मैक्रो को रन करूंगा तो देखिए ओवरफ्लो का एरर दिया, ओवरफ्लो का एरर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लिमिट से आपने ज्यादा दे दिया हुआ, ठीक है। अगर आपने डेसिमल में दोगे तो डेसिमल को वो रिमूव करके स्टोर करेगा। तो इसका यूज कहां करोगे, जैसे आपको मंथ नंबर स्टोर कराने हो, डेज स्टोर कराने हो, तो डेज 31 तक होते हैं, मंथ 30 तक ही, मंथ आपका 12 तक ही होता है, ऐसी चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इंटीजर की हम बात करें तो इंटीजर जो है आई इक्वल टू आप माइनस 32,000 समथिंग, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे,
से प्लस 32,000 समथिंग तक आप कर सकते हो, और ए भी आपका डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता है। 32,000 से ज्यादा अगर रखते हो तो ए आपको ओवरफ्लो का एरर देगा, अगर आप इस पे टेक्स्ट डालते हो तो टाइप मिसमैच देगा, ऊपर में अगर आपने टेक्स्ट डाल दिया बी इक्वल टू कोई टेक्स्ट कर दिया तो टाइप मिसमैच का एरर देगा, और यहां भी टाइप मिसमैच का एरर देगा। डेसिमल में अगर डालते हो तो वो अपने आप को राउंड कर देगा। अब बात करते हैं बीएल, बीएल इक्वल टू करोगे तो ट्रू एंड फॉल्स आएगा, मतलब बुलियन होता है जो कि सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही लेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ट्रू एंड फॉल्स, जैसे कि मान लीजिए इज टेक्स इज नंबर ऐसे फॉर्मूला है जो कि रिटर्न सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही करता है, तो उस तरह के फॉर्मूले अगर आप बनाते हो या लगाने की कोशिश करते हो तो उसका बीएल पे स्टोर कर सकते हो। लॉन्ग, लॉन्ग नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ये आपका जो है 15 डिजिट या 12 डिजिट तक का नंबर स्टोर कर देता है। ठीक है, देखिए ये भी आपका डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं डी, डी नंबर कैटेगरी में डबल जो है नंबर कैटेगरी सबसे पावरफुल सबसे बड़ा है, इस पे आप बहुत ही लंबा या डेसिमल में भी स्टोर कर सकते हो, जैसा स्टोर करना है उस तरह से स्टोर कर सकते हो। डी टी के ऊपर डेट डाल सकते हो, जैसे आपने इन्वर्टर कॉमा में मान लीजिए 1 जैन कर दिया तो ए क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा डेट में, डेट एक्सेल में डेट कैसे स्टोर होता है नंबर में, नंबर ऑफ डेज में होता है ना सर। जैसे आपने 1 जनवरी लिखा तो दिख रहा 1 जनवरी बट एक्चुअली में ए स्टोर हुआ किसमें 48831। ठीक है, तो जब आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में यहां लिखते हो तो 48831 में अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद बात करते हैं एस के स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे आप कोई भी नंबर या कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, और टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, इसको बोलते हैं नॉन कैलकुलेटिव डेटा, इस पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो बट वो कैलकुलेटिव नहीं होगा, याद रखिएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को। अब यहां पे आपको समझ में आ गया कि कौन सा बाइट इंटीजर बुलियन लॉन्ग डबल डेट एंड स्ट्रिंग का क्या काम है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? एक चीज पूछना है सर, पूछिए। आपने बोला है ना डीम आई एज इंटीजर, जैसे बी एज बाइट है, बी के जगह हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, राइट? तो अगर सपोज हम बी के जगह हम ये डाल दिए, डी डाल दिए या आई डाल दिए, एक ना एक, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि एक नाम की एक ही माइक्रो और एक ही वेरिएबल एक माइक्रो के अंदर होना चाहिए, दो नहीं। ठीक है, अगर आपने बी एज ए बाइट ले लिया है तो आप बी एज ए इंटीजर नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बताइए, डीम डी एज डबल तो मैं यही यूज करूं अगर इसमें सारा चीज एक्सेप्ट होता है? हाँ, अभी मैं वही समझा रहा हूँ। तो अब आप कंफ्यूज हैं कि आपके पास डबल है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, इस पे आप कंफ्यूजन है आपके पास, तो एक लास्ट वेरिएबल आता है डिम वी एज ए वेरिएंट, जो कि ऊपर आपने देखा मैंने बिना डिफाइन किए क्वार्टर वन क्वार्टर टू ले लिया ना, ये तो बाय डिफॉल्ट इसने वेरिएंट कर दिया। तो वेरिएंट करने पे क्या होगा, अगर आप नंबर स्टोर करोगे तो इंटीजर बन जाएगा, अगर आपने डेसिमल स्टोर किया तो लॉन्ग बन जाएगा, डबल बन जाएगा, अगर आपने टेक्स्ट किया तो टेक्स्ट बन जाएगा, आपने डेट किया तो डेट बन जाएगा, तो ये ऑलराउंडर कहलाता है। जैसे ही वैल्यू स्टोर होगी उस तरह से एक कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन आता है, जैसे अभी आपने पूछा कि सबसे बड़ा है तो हम डबल ले लें, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक स्टोरेज लो के एक स्टोर और दूसरा कन्वर्जेंस। जैसे कि आप अगर डेटा टाइप जो है अगर मान लीजिए वेरिएंट ही ले लेंगे तो दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत होगा बताता हूं, कि हर एक
जो हमारा जो डिफाइन होता है वेरिएबल, वो आपके मेमोरी में एक जगह एक्वायर करता है। तो बाइट की बात करें तो 2 byte इंटीजर, 4 byte बुलेट भी 2 byte, देन आपका लॉन्ग आई थिंक 4 byte करता है, डबल आपका 8 byte करता है, लेकिन मैं स्ट्रिंग एज पर साइज करता है, और वेरिएंट कम से कम 32 byte को एक्वायर करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि आप बोले जैसे बाइट में है ना, तो हमारे पास सब टीबी में हार्ड डिस्क है, 8 GB 16 GB का रैम है, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है क्योंकि एक प्रोसीजर मतलब एक जो सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज डिफाइन है 255 KB। 255 KB से बड़ा आपका माइक्रो हुआ तो प्रोसीजर टू लार्ज का ऑप्शन देगा और वो माइक्रो वर्क नहीं करेगा। तो छोटे मोटे माइक्रो में आप इसका ध्यान नहीं रख सकते हैं, बट बड़ा माइक्रो जैसे कि 3 पेज 4 पेज का कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोज बनाते हैं, तो वहां इसका ध्यान रखना होगा कि आप एज पर रिक्वायरमेंट ही वेरिएबल को यूज करें। समझ में आया? दूसरा आता है कन्वर्जेंस। अब जैसे कि आप बोले कि मैं डबल ही लू, लेकिन क्या हुआ कि आपको राउंड करना है, आपके पास जो वैल्यू आ रही है उसको राउंड करना है। जैसे आपने बोला कि मैं यहाँ पे डिम वी एज ए वेरिएंट ले लिया, ले लिया। अब वी इक्वल टू कहीं पे वैल्यू कैलकुलेट हुआ डेसिमल में, MSG पॉप डी। अब जैसे कि इस मैक्रो को मैं प्ले करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे डेसिमल दिख रहा है, दिख रहा है सर? अब आपकी जरूरत पड़ेगी, नहीं नहीं डेसिमल नहीं दिखना चाहिए, हमारा जो डेसिमल है वो डेसिमल नहीं दिखना चाहिए, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए आपको यहां इसको राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या सर? लेकिन यही आपने यहीं पे आपने जो है वेरिएंट को लॉन्ग कर दिया, लॉन्ग कर दिया। अब देखिए ये आपका 36 नहीं 37 हो जाएगा, हो गया सर? तो यहां आपको राउंड का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा ना, क्या बोल रहे सर? हाँ जी। तो कन्वर्जेंस भी होता है, जैसे कि अगर आपको डेट डालना है तो उसको आपको डेट फॉर्मेट में डालेंगे, अगर नहीं वेरिएंट में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो इसको टेक्स्ट ही रख लेगा, 1 Jan 2020 एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट लेगा, इसको कन्वर्ट नंबर में नहीं करेगा, मैं डेट में नहीं करेगा। डेट में कन्वर्ट न होने के कारण क्या हो जाएगा कि वो नंबर डेज में स्टोर नहीं होगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन इफेक्ट कर सकती है। बात समझ में आया आपको कि नहीं? अब तो हम उसके एज पर रिक्वायरमेंट हम अपने वेरिएबल का चूज करेंगे। तो सबसे पहले आज आपने सीखा कि वेरिएबल की जरूरत क्यों है। तो वेरिएबल की जरूरत होती है टेंपरेरी सेविंग लोकेशन के पर्पज से, कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े पाथ को कम करने के पर्पज से, और दूसरा रिपीटेशन। जैसे मान लीजिए कि आपने एक माइक्रो बनाया, उसमें इसी की बात कर लेते कि मुझे यहां पे Q2 2 बार लिखना है, तो Q1 2 बार जो आप दे रहे हो यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है ना सर, तो हमने यहाँ पे होल्ड कराया हुआ है किससे? अगर होल्ड ना कराते तो इस लाइन को 2 बार लिखना पड़ा, हो सकता है इनपुट बॉक्स होता, हो सकता है कैलकुलेशन होता, तो दो दो जगह पे मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम आपको एक बुक जो है मेल कर रहे हैं, इसके पेज नंबर 199 पे अगर आप जाते हैं, तो वहां पे आपको मिलेगा इसकी पूरी डिटेल। मैं यहाँ पे आप लोगों को मेल कर देता हूँ।